जिहड़ा पेशेंट भाटिया हॉस्पिटल आंदा ना वो नशा करके ना तो मज़ा करता पिया ना तो उन्हें खुशी आ रही है ना वो लाइफ जी रहा है वो फसिया वा फसिया वा बंदा अपनी सेहत का नुकसान करता पिया अपना पैसे का नुकसान करता पिया अपनी इज्जत का नुकसान करता पिया अपने रिश्तों का नुकसान करता पिया दसो सेहत अपनी तो घरद्या भी सारा कुछ दिसदा उन्हों सारा कुछ दिसदा उन्हों तो ये ना समझ दिसदा नहीं उन्होंने दिसदा वा पर नशा ज़्यादा महसूस होता ये चीज़ों इन महसूस नहीं होंगे क्योंकि वो नशे ना एडी जबरदस्त अटैचमेंट हो गई आनू लगता भी इस तो बगैर कुछ नहीं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जितना ऑक्सीजन साड़ी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना रोटी साड़ी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना इस तरह वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है इतने फसया बंदा इतने मुझे लगता है यहाँ पे हम जिन बीमारियों की वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं ना मतलब हम ये दिमाग का अस्पताल है और जिस कारण हम यहाँ बैठे हैं ना वो चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत बदनाम है स्टिग्मा है ठीक है उसको बचपन से हम सुनते आए हैं कि ये गंदी चीज़ें हैं गंदी आदतें हैं या फिर अगर हमारा पेशेंट कोई एबनॉर्मल हरकत कर रहा है क्योंकि हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं ज़रूरी नहीं है वो नशे की बीमारी ही हो उनको डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर आवाज़ें सुनाई देना हलूसिनेशन होना साइकोसिस होना बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पर हम जब पहुँचते हैं ना तो हमारे दिमाग में कुछ और ही चीज़ें होती हैं जैसे अगर कोई किसी को नशे की बीमारी है तो हमारे दिमाग में नशा है अगर कोई डिप्रेशन में है तो हमें लगता है ये कमज़ोर है ये जानबूझ के कर रहा है ये काम नहीं करना चाहता है अगर किसी हमारे पेशेंट को लोग दिख रहे हैं आवाज़ें सुनाई दे रही है तो हमें लगता है ये पागल हो गया एबनॉर्मल या इसके अंदर कोई आत्मा घुस गई है किसी ने कुछ कर दिया है तो नॉर्मली ये सारा माइंडसेट लेकर हम इधर आते हैं तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इसलिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जो जसबीर सर कह रहे थे कि ये नशे की बीमारी है कि दिमाग की बीमारी है तो हमारा 99% आंसर इस बोर्ड पे लिखा हुआ है आज वो ब्रेन है और हमारे पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है दिमाग उसका ठीक तरह से काम नहीं कर रहा अब बस यही फ़र्क है दिमाग और किडनी और लिवर में कि अगर लिवर ख़राब डॉक्टर बोले तो हम मान लेते हैं किडनी ख़राब डॉक्टर बोले तो हम मान मगर दिमाग ख़राब होना हमें समझ नहीं आता दिमाग ख़राब होना हमें लगता है कि कोई गाली है या कि वैसे तो इसको सब कुछ समझ आ रहा है चलाकियाँ तो ये पूरी कर रहा है तो दिमाग कैसे काम नहीं कर रहा सो जिस तरह से डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर का ये फंक्शन होता है किडनी का ये फंक्शन होता है हड्डियों मतलब हड्डियों में ये होता है अंदर हमारा ब्लड है इसी तरह से जो दिमाग है उसमें केमिकल्स हैं जैसे हमारा ब्लड प्रेशर सैचुरेशन पॉइंट सैचुरेशन लेवल जैसे हमारा शुगर लेवल है वैसे ही हमारे दिमाग में केमिकल्स हैं तो जब दिमाग ख़राब होता है तो उसका मतलब होता है कि अब जो हमारे दिमाग में केमिकल्स हैं उनका संतुलन बिगड़ गया है जैसे किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना मैम उसी तरह से अगर दिमाग के केमिकल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएं या ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाएं तो हमारा दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता अब जब दिमाग एक मशीन है जो ठीक तरह से काम नहीं कर रही तो जो मशीन करती है वो ठीक नहीं होगा ना दिमाग सोचता है हमारे पेशेंट की सोच खराब हो जाएगी हमारे पेशेंट को मूड डिसऑर्डर हो जाएगा सो सबसे जो रूट में जो सर ने कहा जड़ में जहाँ पे जवाब है वो ये है कि हमारे पेशेंट को एक दिमागी बीमारी है दिमाग का इलाज होगा तो वो ठीक होगा नहीं तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता तो हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए कैसे होगा क्योंकि ये कैसे का मतलब अगर हमें पता होता तो हम हॉस्पिटल आते ही नहीं और पेशेंट की बस का होता पेशेंट का दिमाग ठीक होता
तो आप इस अस्पताल में होते नहीं। तो सबसे पहले फैमिली को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रेन डिसऑर्डर है। अगर किसी को डिप्रेशन है वो ब्रेन डिजीज़ है, अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है वो ब्रेन डिजीज़ है। इसका मतलब है इसके दिमाग के केमिकल ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, बैलेंस खराब हो गया है, बढ़ गया है। जैसे डोपामिन नाम का केमिकल होता है हमारे दिमाग में, अगर वो बढ़ जाए तो पेशेंट बहुत अग्रेसिव होता है, गुस्सा करता है, तेज़ी आ जाती है उसमें, सोता नहीं है वो, ज़्यादा बातें करता है। अगर सेरोटोनिन नाम का केमिकल गिर जाए तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये आज से ज़िंदगी भर तक आपको अपने दिमाग में रखनी है। पहली चीज़ कि परिवार माने, जैसे आपका जो क्वेश्चन था ना इसी से पूछो, अब इसी से पूछो में एक माँ क्या बोलना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है माँ? माँ ये बोलना चाह रही है मैं बहुत दुखी हूँ, माँ बोलना चाह रही है मैं बहुत परेशान हूँ, इसी से पूछो। अब उसको प्यार भी है क्योंकि उसका बेटा है, बेटा नहीं बल्कि दो बेटे आठ बेटे हैं, और गुस्सा भी है, प्यार भी है और गुस्सा भी है। अब ये जो चीज़ है ना प्यार और गुस्सा, इन दोनों चीज़ों में इलाज नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, हॉस्पिटल आने का नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप एक प्रोफेशनल जगह पे आए हो, एक डॉक्टर और टीम यहाँ पे इलाज कर रही है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, है ना, गूगल पूरा इन्फॉर्मेशन से भरा है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ नहीं दे रहे जो गूगल पे ना हो। अगर हम इतने परेशान होते हैं और हमें क्योंकि पता नहीं है तो हम सारी चीज़ें लगा देते हैं, गलत संगत हो गई, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने लगा दिया, और हम पेशेंट से परेशान घूम रहे होते हैं। तो पहला स्टेप ही यही है कि इट इज़ अ डिज़ीज़, और ये दिमाग खराब होने की निशानियाँ हम घर से देखते आ रहे हैं। जो जो हमारा पेशेंट कर रहा है वो सही दिमाग में कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अच्छा अगर ब्रेन खराब हो गया तो ब्रेन ठीक कैसे होएगा? तो फिर हमें समझना पड़ेगा ना कि ब्रेन में दो मेन पार्ट्स हमने लिखे हैं, एक हमारा चिम्ब्रेन जो हमारा इस साइड पे होता है पीछे, उसको बोलते हैं जानवर दिमाग, चिम्ब्रेन, और एक होता है हमारा ये मत वाला हिस्सा, ह्यूमन ब्रेन। इस बीमारी में आपस में नॉर्मल दिमाग में दोनों में एक बैलेंस होता है, मत और मन में एक बैलेंस होता है, एक संतुलन होता है। अगर मन बोलता है कुछ ऐसा करो जो हमारे लिए सही नहीं है तो कौन हमें समझाता है? हमारी मत समझाती है। अब इस बीमारी में जब हम कहते हैं ब्रेन डिसऑर्डर हो गया तो ये मत वाला हिस्सा काम नहीं करता। हमारे पेशेंट का जो चिम ब्रेन है, जो जानवर दिमाग है, जो इमोशनल ब्रेन है, वो हावी हो जाता है। तो कई बार शायद मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी लेकिन हमें कई बार लगता है कि इंसान नहीं है ये, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इसको कोई एहसास ही नहीं हो रहा। एक माँ अपने बच्चे के सामने रोई जा रही है मगर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये जो बीमारी आपको इस हॉस्पिटल में लेके आई है ना, ये है तो सही बीमारी, फिजिकल बीमारी है, जैसे कैंसर, जैसे टीबी। इलाज उसका बीमारी की तरीके से ही होना है, एक साइंटिफिक तरीके से ही होना है, मगर इस बीमारी में बहुत दर्द है, बहुत दुख है। ये बीमारी पेशेंट को नहीं, ये सबको बीमार कर देती है जो उसके आसपास होता है। तो मैं तो यहाँ से शेयरिंग अपनी शुरू करूँगी कि अगर आपके घर में दिमागी बीमारी का पेशेंट है, आज से लेकर ज़िंदगी के एंड तक आपने क्या करना है आपको सीखना पड़ेगा। अब उसका कारण ये है, WHO सब समझते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जो सारी मेडिकल इंस्टीट्यूशन की हेड है दुनिया में, जिनके अंडर सारी बीमारियों की लिस्ट, ट्रीटमेंट क्या होते हैं, तो उसमें लिखा है WHO के अकॉर्डिंग इट इज़ प्राइमरी
जन्मांध्रु, ये हम इसके साथ पैदा हुए थे, बस नशा अंदर जाने की देर थी। इट इज़ प्रोग्रेसिव, ये बढ़ती रहती है, क्रॉनिक लंबे समय की होती है, फेटल जानलेवा इफ अनट्रीटेड। जैसे शुगर की बीमारी खत्म नहीं हो सकती, हाइपरटेंशन खत्म नहीं हो सकती, उसी तरह से ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती, मगर ट्रीटमेंट 100% है। कुछ केसेस को छोड़ के जो अब इतना ज्यादा डैमेज हो गया है, मतलब ये भी आपको बात याद रखनी पड़ेगी कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम एक बहुत डिफरेंट व्यू से बैठे होते हैं कि इतना नहीं है हमारा पेशेंट। तो इस गलत फहमी में मत रहना, अगर आज सेकेंड स्टेज पे हो, फर्स्ट स्टेज में कोई हॉस्पिटल ले आता सब, या सेकेंड या थर्ड में आते हैं, और अगर आप सेकेंड में आए हो तो थर्ड स्टेज भी आएगी, थर्ड में आए हो तो फोर्थ भी आएगी, और फोर्थ में इलाज नहीं होता। जिन जिन का आज ये सवाल है कि पेशेंट ठीक हो जाए, पेशेंट ठीक हो जाए, तो ये जो मीटिंग्स होती हैं, दिन रात हम मीटिंग्स करते हैं, सुबह जसवीर सर कर रहे थे, शाम को अब सर वापस आएंगे, वो करेंगे, ये इसीलिए हैं, साइको एजुकेट करने के लिए, दिमागी बीमारियों के बारे में समझाने के लिए मीटिंग है। और ये जो रिकवरी है ना, इसका जो इलाज है वो एक प्रोसेस है। जैसे हमारा फोड़ा हो गया, स्किन जल गई, तो वो सारा एकदम तो नहीं ठीक होता ना, पहले ऊपर से हील होगा, अंदर से नया मांस आएगा, हड्डी टूट जाएगी तो प्लास्टर लगेगा, खुलेगा, फिजियोथेरेपी होएगी, पेशेंट पकड़ पकड़ के क्लचेस चलेगा, उसके बाद खुद चलेगा। बिल्कुल इसी तरह से ये प्रोसेस है, क्योंकि ये मत भूलना कि बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योर नहीं है, मगर इसका ट्रीटमेंट है। जैसे डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि भाई शुगर की बीमारी पूरी उम्र रहेगी, अब ये गोली खानी पड़ेगी या और कोई दवाई खानी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्ट्रेस कम लो, अपनी लाइफ को हेल्दी करो, बिल्कुल उसी तरह से हम जो यहाँ बैठ के कर रहे हैं वो रिकवरी प्रोग्राम है। दैट मीन्स इस बीमारी से रिकवरी में जाने के लिए कोई तरीका बना है, एक प्रोटोकॉल बना है, दवाइयाँ बनी हैं, मगर हमें पहले पता तो चले ठीक ठीक क्या होना है, हमने नशे को थोड़ा ना ठीक करना है, हमने तो दिमाग को ठीक करना है। और दिमाग में ये दो मेन हिस्से हैं, मन और मत, जो ब्रेन है, जो केमिकल है, उनको हम बातों से नहीं ठीक कर सकते ना, जैसे हम ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया उसको कम नहीं कर सकते बातों से, कर सकते हैं मैम? नहीं कर सकते ना। तो अब जो केमिकल खराब हो गए हैं उसको साइकेट्रिस्ट, जो दिमाग का डॉक्टर होता है, वो दवाइयों से ठीक कर रहा है। जैसे इस टाइम में जो आपका पेशेंट आया, अब उसकी बॉडी जब नशा मांग रही है और जो डिटॉक्स उसको प्रोसेस कर रहे हैं, वो दवाइयों से किया जा रहा है। पेशेंट इसलिए सो रहा है क्योंकि उसके दिमाग पे काम किया जा रहा है। अगर उसको अभी रेस्ट नहीं मिलेगा, उसको तोड़ बजेगी, उसको क्रेविंग आएगी, विड्रॉल्स, तोड़, हर पेशेंट समझता है कि बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत तकलीफदायक होते हैं, उसकी वजह से ही पेशेंट छोड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए ब्रेन को, जो मन है, जहाँ चिम ब्रेन लिखा है, वो डॉक्टर ठीक करता है। और दूसरी चीज़ आ जाती है, अल्टीमेटली ये ज़रूरी है ना, मत, मत ही बीमार है ना, जिसको एक बीवी नहीं दिख रही, जिसको बच्चे नहीं दिख रहे, जिसको बाप नहीं दिख रहा, माँ नहीं दिख रही, जिसको जो सर ने सारा कुछ सुनाया, इज्जत पैसा सब जाई जा रहा है, वो दिमाग सही तो नहीं हो सकता। अच्छा, ऊपर से पेशेंट खुद भी दुखी है, वो कोई इंजॉय नहीं कर रहा। कोई भी हमारा हॉस्पिटल में इस टाइम जो पेशेंट है आपको खुश दिख रहा हो तो जानबूझ के तो कोई अपने आप को परेशान नहीं करेगा। तो वो जो चीज़ है अल्टीमेटली किसको ठीक करना है, ये मत को, माइंड, ब्रेन और माइंड दो हिस्सों का इलाज होगा। जब तक दो हिस्सों का इलाज नहीं होगा तब तक पेशेंट रिकवरी में नहीं जा सकता। सो ब्रेन को दवाई ठीक करती है और माइंड को ट्रेनिंग। इस पूरे प्रोसेस का, जैसे बोलते हैं ना कि स्कूल में 12 साल लगाने हैं, ग्रेजुएशन में 3 साल लगाने हैं, तो अगर जिंदगी भर की बीमारी है तो सीखना भी उसके अकॉर्डिंग ही पड़ेगा ना।
अगर एक छोटी सी डिग्री के लिए हम 3 साल मेहनत करते हैं तो पूरी जिंदगी के लिए हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, ये समझना पड़ेगा। अब जिसको लगता है भाई मैं दवाइयों से ठीक कर लूँगी अपने पेशेंट को, तो आपकी गलत फहमी है। चलो सुन लो, जिसको लगता है कि सिर्फ दवाइयों से तो नहीं हो सकता ना, अगर डॉक्टर ने बोला कि भाई इसका लिवर और किडनी दोनों का इलाज होना है, तो हम कभी नहीं डॉक्टर को बोलेंगे भाई लिवर ठीक कर दो किडनी को छोड़ दो, नहीं बोलेंगे ना। तो इसी तरह से जब तक हम समझेंगे नहीं कि बीमारी है क्या, हमें पता ही नहीं बीमारी क्या है, बस जी ठीक कर दो ठीक कर दो, किसी ने कहा बस जल्दी से ठीक कर दो, जल्दी नाम की चीज़ ही नहीं है इस अस्पताल में। कोई डॉक्टर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मैजिक कैप्सूल नहीं है, कुछ नहीं है। इस बीमारी का की दवाई बनी नहीं है, इसका सिर्फ एक तरीका बना है। तो जो जो रिकवरी चाहता है, जो जो लाइफ में दुखी आ चुका है, जो जो परेशान हो चुका है, जो अपने पेशेंट को प्यार करता है, जो अपनी ज़िंदगी वापस चाहता है, वो प्रोग्राम में एंटर करता है। तो उसके लिए तो आप पहले 3 गोलियाँ फैमिलीज को खानी पड़ती है, और वो 3 गोलियों का नाम है टाइम, पेशेंस और सरेंडर। आपको टाइम देना पड़ेगा। इतना टाइम लगा माइंड को ख़राब होते, क्योंकि इस बीमारी के पीछे जीन्स भी हैं, पिता पुरखी बातें, माहौल, पर्सनालिटी, और इसकी जो जड़ है बीमारी की वो है हमारे पेशेंट के अंदर की कमज़ोरियाँ, माइक्रो एडिक्शंस, उसके कैरेक्टर फ्लॉज। कैरेक्टर फ्लॉज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेशेंट गंदा या गलत इंसान है, हम सबके अंदर कैरेक्टर फ्लॉज हैं। तो माइंड की ट्रेनिंग में, रिहैब में, काउंसलिंग में, थेरेपी में, जब तक हम जड़ पे नहीं जाएंगे ना कि हमारा पेशेंट निर्भर हुआ क्यों, हमारे पेशेंट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो नशे की तरफ ले गई, जब तक उस जड़ को नहीं ट्रीट किया जाएगा तब तक रिकवरी आ ही नहीं सकती। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में टाइम, रिकवर, सरेंडर करना और पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो 7 दिन का जो होता है, अब ट्रीटमेंट पे आए, अभी हम बिल्कुल सिंपल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं भाई, आप हॉस्पिटल में बैठे हो, ये दिमाग का अस्पताल है, दिमाग का इलाज हो रहा है। दिमाग के कौन से 2 मेन हिस्से हैं, एक ब्रेन एक माइंड, एक मन एक मत। ब्रेन शरीर का हिस्सा है, शरीर दवाइयों से ठीक होता है, माइंड हमारा ट्रेनिंग से, माइंड की ट्रेनिंग हुई है बचपन से, माइंड की ट्रेनिंग की जाती है। तो मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इतनी रिसर्च करने के बाद, इतने सालों के बाद, जिन बीमारियों को लोग दुनिया बीमारी नहीं मानती थी, जिनको वो मानते थे कि पागल हो गया है, इसको कमरे में बंद कर दो, इसको पागल खाने छोड़ दो, कितनी मुद्दतों के बाद रिसर्च करके उन्होंने दवाइयाँ बनाई, उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, एक तरीका बनाया, जिसमें सबसे पहले, क्योंकि आज सारे पेशेंट मेनली एडिक्शन के हैं, तो सबसे पहले 7 दिन का डिटॉक्स होता है। अभी जो हो रहा है वो उसको कहते हैं एक्यूट विड्रॉल मैनेजमेंट, कि अब जब पेशेंट के अंदर नशा नहीं जाएगा और उसका शरीर जब नशा मांगेगा तो उसको बहुत तकलीफ होगी, तो उसको मेडिसिन से कंफर्टेबल किया जाए। दूसरा डिटॉक्स, जो नशे की वजह से केमिकल ख़राब हो गए हैं उनको दवाइयों से ठीक किया जाए, जहाँ पे डोपामिन नाम, जहाँ जो दिमाग के हिस्से, जो ड्रम्स जैसे आप वहाँ पर देख रहे हैं उसमें बने हुए, फर्स्ट वाले चार्ट में, जिसमें वो डोपामिन जाता है, वो शराब का, ड्रग्स का नशा, उसको ब्लॉक किया जाता है दवाइयों से, अंदर से सफाई हो रही है, एक ऑपरेशन चल रहा है, बस ये कि आपको दिखता नहीं है। तो ये तो सिर्फ एक प्रोसेस का पहला छोटा सा हिस्सा है, अभी सिर्फ पेशेंट का डिटॉक्स हो रहा है। That means अभी सिर्फ ब्रेन पे काम किया जा रहा है दवाइयों के साथ, अभी तो माइंड बारी ही नहीं आई,
क्योंकि उसका ब्रेन, उसका जो हार्डवेयर है वो ठीक होगा तो सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो इसके बाद रिहैब ट्रेनिंग है 90 से 100 दिन की। अब वो क्यों ज़रूरी है? जो फैमिलीज़ को लगता है पैसे कमाने का ज़रिया है, जो फैमिलीज़ को लगता है ये तो हम खुद ही कर लेंगे, किसी कारण से एक्सपर्ट्स ने बनाई है, कोई डॉक्टर भाटिया ने तो खाली बनाया नहीं है रिहैब, एक मतलब एक प्रोटोकॉल बना है। मगर हम ये बात समझते नहीं है कि कोई कारण होगा ना। हर छोटी चीज़ के लिए हम गूगल करते हैं, हर छोटी चीज़ के लिए। कुछ हमने सब्जी बनानी है, यूट्यूब देखते हैं। हमने शॉपिंग करनी है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मगर हमारी घर में एक ऐसी बीमारी है जिसने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, उसके लिए कोई रिसर्च नहीं कर रहा। कोई है जो यहाँ बैठा हो जिसने रिसर्च करी हो कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे हस्बैंड को क्या हो रहा है, मेरे बच्चे को क्या हो रहा है? तो हाथ ऊपर खड़ा करिए प्लीज़। किसी ने कभी करा? क्यों? क्यों पता नहीं था? नहीं, तो हम हर चीज़ के लिए गूगल करते हैं जब हमें पता नहीं होता, ये बात नहीं कहे हम। तो यहाँ आने से पहले तो चलो नहीं पता था, अब हॉस्पिटल में बैठ के आपको ट्रेनिंग मिल रही है कि भाई ये आपके घर में कि चल क्या रहा है, ये एक बीमारी है, क्यों पेशेंट ऐसे कर रहा है, क्यों फैमिली भी बीमार हो गई है, क्यों फैमिली भी एडिक्शन में ही है, क्योंकि पेशेंट नशे के पीछे भागता है, उसकी बीवी उसके पीछे भागती है। उसको नशा नहीं मिलता तो वो सोता नहीं, उसको बीवी को पति नहीं मिलता तो वो नहीं सोती। तो हाल तो सेम ही हुआ, माँ बच्चे के पीछे घूम रही है, बच्चा नशे के पीछे घूम रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप पहले समझो। अगर आप चाहते हो कि भाई ठीक हो तो फिर आप पहले समझो कि अभी तक ठीक क्यों नहीं हो पाए, क्यों आपके समझाने से नहीं हो पाए। हर बीवी को लगता है मैं अलग बीवी हूँ, जैसे एक हर पेशेंट को लगता है ना बाकी सारे नहीं छोड़ पाए मैं छोड़ पाऊँगा, लगता है ना हर पेशेंट को, पर ये नहीं समझ पाया मैं समझ जाऊँगा। उसी तरह फैमिली को भी ये गलत फहमी है, भाई सारी बीवियाँ नहीं कर पाई, मैं अपने प्यार से कर लूँगी। जैसे आप न्यूली मैरिड हो तो फीलिंग आएगी कि भाई मैं नई नई शादी हुई है, मैं तो अपने हस्बैंड को समझा सकती हूँ। कोई भी बीमारी समझने से ठीक नहीं होती। हम गलत फहमियों की बात कर रही हूँ मैं। अगर बीमारी सेम है तो ट्रीटमेंट सबके लिए सेम है, आप करो या नहीं करो एक दिन करना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड स्टेज में नहीं करोगे तो थर्ड में करना पड़ेगा, थर्ड के बाद फोर्थ में जाओगे तो पता नहीं हो सकता है इलाज के नहीं हो सकता। तो ये एक प्रोसेस है।